श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद कुशीनगर श्री विजय दुबे जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, प्रदीप शुक्ला जी, कुलपति मदन मोहन मालवी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज जी, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन श्री अनिल कुमार जी, प्राविधिक शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ ही श्रम और सेवायोजन विभाग के जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, यूपी बड़ौदा बैंक से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, वित्तीय समावेशन से जुड़े हुए प्रदेश शासन के अधिकारीगण, बैंकर्स और उपस्थित हमारे सभी युवा साथियों, आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और महाअष्टमी की तिथि में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर 40,000 युवा मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करेंगे और लगभग 600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी प्राप्त करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी युवा साथियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब क्या हमेशा से एक उद्घोष रहा है कि हर हाथ को काम, हर हाथ को रोजगार। हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, यह भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही सोचती थी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह नारा दिया था तब लोगों को लगता था कि क्या यह संभव है, लेकिन वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हकीकत में बदलने का कार्य किया है। अनेक ऐसी योजनाएं, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए सबसे पहले जनधन अकाउंट, हर हाथ में स्मार्टफोन आ गया, डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण प्रारंभ हो गया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हरेक गांव को, हरेक व्यक्ति को डिजिटली सक्षम बनाया गया, इससे रोजगार के सृजन हुए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना और इन योजनाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज पीएम विश्वकर्मा तक की इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, इसने आज भारत के युवा को अपने ही देश में नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। आज उसी का परिणाम है कि गोरखपुर में जो बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, इसमें 120 प्रतिष्ठित कंपनियां भागीदार बन रही हैं।
और मैं तो इस बात को कहता हूं, प्रशासन से भी कहूंगा, व्यवसायिक और टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ कौशल विकास से जुड़े हुए विभागों से भी कहूंगा, श्रम और सेवायोजन विभाग से भी कहूंगा कि जितने भी युवा यहां आए हैं, इन सभी युवाओं को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए, और इनको अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जिन्हें रोजगार का पत्र प्राप्त होता है, अच्छी बात है, जिन्हें नहीं हो पाता है उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको किसी न किसी इंडस्ट्री के साथ पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ जोड़िए, और उस दौरान उन्हें मानदेय के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आधा मानदेय देगा, आधा इंडस्ट्री देगा, इनके पास अनुभव होगा और अगली बार इनको भी अच्छा पैकेज यहां पे उपलब्ध हो जाएगा, जिससे अधिक से अधिक युवा किसी न किसी इंडस्ट्री में कार्य उसे उपलब्ध होगा, तो उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ हमारे समाज को और हमारे देश को प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, भारत की हमेशा से मान्यता रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई अयोग्य नहीं है, तो फिर यानी अगर कोई अयोग्य है तो इसका मतलब उस समाज में मार्गदर्शक नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, जहां योजक नहीं वहीं पे कोई अयोग्य हो सकता है, अन्यथा अगर अच्छे मार्गदर्शक हैं तो हर व्यक्ति के हाथ को काम मिल सकता है, और डबल इंजन की सरकार का यही लक्ष्य है, बिना भेदभाव के हर हाथ को कार्य मिले। और मैं तो अपने युवाओं से कहता हूं, आज सरकार ने ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए तय की हैं। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई निवेश के लिए नहीं आता था, आज निवेश के लिए आ रहा है, 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें मिले हैं। ये 38 लाख करोड़ का निवेश जब जमीनी धरातल पर उतरेगा